परियों से संबंधित इस पर्ची में सात ऐसे सवाल हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आइए पहले वो सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे आगे। पहला सवाल है, क्या परी से कोई इंसान शादी कर सकता है? क्या आदमी और परी की शादी हो सकती है? दूसरा सवाल है, क्या परी हमें पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात दे सकती है? हमें मालामाल कर सकती है? तीसरा सवाल है, क्या परी को वश में किया जा सकता है? क्या परी से दोस्ती की जा सकती है? क्या परी को अपना गुलाम बनाया जा सकता है? चौथा सवाल है, परी क्या क्या काम कर सकती है? परियों के पास कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? पांचवा सवाल है, परियों की क्या खासियत है? परियों में कौन कौन सी खास बातें पाई जाती हैं? छठवां सवाल है, परी कहाँ रहती है? परियां क्या करती हैं, क्या खाती हैं? सातवां सवाल है, क्या परी सच में होती है? क्या परी का वजूद है? परी कोई हकीकत है या परी कोई फसाना है? वाकई ये सवालात बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दिलचस्प इसका जवाब होने वाला है, क्योंकि गहन अध्ययन के बाद और मदारिज अल बुरुज, खवासुल असिया, बदयूल अजाइब जैसी फारसी और अरबी की किताबों की रोशनी में इसका जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। तो वीडियो बड़ी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखें। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। परी होती है तो क्या परा भी होता है? परा के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना, क्योंकि परा होता ही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि परी होती है तो परा भी होता होगा। परी चूंकि फीमेल है तो उसका मेल क्या होता होगा? इसकी दो रिवायतें मौजूद हैं। पहली रिवायत तो ये है जो उलमाए दीन के नज़दीक है, मजबूत है और सही है। पहली रिवायत इसकी ये है कि जो जिन्नात औरत होती है, जिन्नी होती है, उसे ही परी कहते हैं और वही परी होती है। और दूसरी रिवायत जो है वो कमज़ोर और झूठी लगती है, क्योंकि उसमें कुछ आमिलीन लिखते हैं कि परी अलग चीज़ है, परी अलग शय है और परी की एक दुनिया अलग आबाद है। ये बात तो सही है, लेकिन उनका ये कहना है कि परी परिस्तान में रहती है, ये भी बात कही, उनका कहना सही है, लेकिन उनका ये कहना है कि परी परी ही है, उसमें कोई मेल नहीं होता, उसमें कोई परा नहीं होता, परी एकदम से अलग है। तो ये बात गलत है और एकदम से कमज़ोर है। तो उलमाए दीन की रिवायत पे चलते हैं और उनकी बात जो है सच है, और उनकी ये दलील भी जो है सही है कि जिन औरत को यानी जिन्नी को ही परी कहते हैं और वही जो है परियां होती हैं। अब आइए जो सवालात पूछे गए हैं उनको सीक्वेंस करके, उनको तरतीब से स्टेप बाय स्टेप सभी सवालों के जवाब जानते हैं और बात करते हैं उन सभी सवालों के बारे में। लेकिन जो सातवां सवाल है कि परी क्या सच में होती है, परियों को वजूद होता है, इसको मैं पहले नंबर पे ले आता हूँ, उसके बाद में सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप सभी सवालों पे बात करेंगे, क्योंकि इस सवाल को कवर करने से काफ़ी बातें आपके नॉलेज में पहले ही आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर एक से, क्या परियां सच में होती हैं? क्या परी का वजूद है? क्या परी हकीकत है या फसाना है? तो जी हाँ, परी हकीकत है और ये कोई फसाना नहीं है, परियां सच में होती हैं। जिस तरह से हम और आप खुदा की बनाई हुई एक मखलूक हैं, उस रचयिता की एक रचना हैं, उसी तरीके से परियां भी उस रचयिता की एक रचना हैं। फ़र्क ये है कि इंसान यानी हम और आप मिट्टी से पैदा किए गए हैं और परियां जो हैं आग से पैदा की गई हैं। रचयिता वही है, खुदा की ही मखलूक दोनों हैं, लेकिन एक मिट्टी से बना है इंसान और एक परी है जो आग से बनी है, रचयिता वही है खुदा। तो परियां होती हैं और इसका सबूत जो है हर धर्म की किताबों में मिलता है।
कुरान शरीफ में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में और वेदों में इनका क्लियर शब्दों में उल्लेख मिलता है, इनका वर्णन किया गया है और इनके बारे में बताया गया है। तो ये बात साबित होती है और ये सबूत के साथ, सबसे बड़ी दलील के साथ साबित होती है कि परियां होती हैं और परियों का वजूद है। ये कोई फसाना नहीं है, ये बल्कि ये हकीकत है, ये फैक्ट है कि परियां होती हैं। अब अगर कोई साइंस के नशे में चूर है, कोई विज्ञान के नशे में चूर है और परियों का इनकार करता है, परियों के होने का इनकार करता है, तो जाहिर सी बात है या तो वो अपनी धर्म की किताब को नहीं मानता या तो वो जो है किसी धर्म को नहीं मानता। तो ये बात साबित हो चुकी कि परियां होती हैं और परियों का वजूद है। दूसरा सवाल है, क्या परी से कोई इंसान शादी कर सकता है? क्या आदमी और परी की शादी हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि परी और इंसान की शादी नहीं हो सकती है और परी और आदमी का मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि परी आग से बनी है और इंसान मिट्टी से बना है, और आग और मिट्टी का जब मिलन होगा तो मिट्टी जो है जल के राख हो जाएगी, मिट्टी जल जाएगी और एकदम से ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने से मुराद ये है कि जल जाएगी और अपनी असली हालत को छोड़ देगी। इसी तरीके से अगर कोई इंसान परी से शादी करता है या कोई परी इंसान पे आशिक होके, मेहरबान होके उससे मिलन करना चाहती है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि परी और इंसान के मुलाकात से जो इंसान है उसके शरीर में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां घर कर लेंगी और उस इंसान के ज़िंदगी का सूरज जल्द ही डूब जाएगा और वो चल बसेगा। इसलिए जो है दो अलग अलग मखलूक का मिलन नहीं हो सकता है, जबकि रचना ये दोनों रचयिता वही है, रचनाएं दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। इस बात पे भी दो रिवायतें मिलती हैं, लेकिन ये जो उलमाए दीन की रिवायत है मैंने बताया। दूसरी रिवायत ये है कि अगर परी और इंसान की शादी हो जाए और दोनों में मिलन हो जाए तो जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जो खासियत होगी वो इंसानों जैसी होगी, ना कि परियों जैसी होगी, परी वाली खासियत उसमें नहीं होगी। लेकिन ये रिवायत कमज़ोर लगती है और ये बात जो है झूठी लगती है, क्योंकि दो अलग अलग मखलूक का मिलन नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि अगर किसी के ऊपर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा हो जाती है तो वो तरह तरह की परेशानियों का, दर्द का, बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो अगर किसी परी के साथ किसी इंसान का मिलन होगा और किसी परी का साया किसी इंसान पे होगा तो वो कितनी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी परेशानी का शिकार हो जाएगा। लिहाजा परी और इंसान की शादी नहीं हो सकती है और ये बात बिल्कुल साबित है। तीसरा सवाल है, क्या परी हमें पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात दे सकती है, हमें मालामाल कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल परी हमें पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात दे सकती है, हमें मालामाल कर सकती है। आपको बताता चलूँ कि परी जो होती है वो हीरे की रोशनी को इस्तेमाल करती है, डायमंड के उजाले में वो लोग रहती हैं, और परियों के पास खजाने की, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है। इसलिए परियां जिसे चाहें, जिस पे मेहरबान हो जाएं, उसे मालामाल कर सकती हैं और उसे रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ दे सकती हैं। चौथा सवाल है, क्या परियों को वश में कर सकते हैं? क्या परी से दोस्ती कर सकते हैं? क्या परी को अपना गुलाम बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल परी को अपना गुलाम बनाया जा सकता है और परी से दोस्ती की जा सकती है, परी को अपना, अपने वश में किया जा सकता है। काफ़ी तरह के तिलिस्माती अमलियात के ज़रिए, काफ़ी तरह के सिद्धि साधना और चिल्लाकशी के ज़रिए हम परी से दोस्ती कर सकते हैं, परी को देख सकते हैं और परी को अपना गुलाम भी बना सकते हैं। ये बात भी साबित है, उलमाए रूहानियत ने, उलमाए तिलिस्मात ने इस बात को वाजे तौर पे लिखा है और कई तरह के अमलियात को पेश किया है। कुछ अमलियात जो मुजर्रब हैं और बड़े फ़ायदे के हैं, जो सही हैं, उनको आप तक मैं लेके आऊँगा इस वीडियो के बाद।
तो ये बात भी साबित होती है कि परी को वश में किया जा सकता है, परी से दोस्ती की जा सकती है और परी को भी जो है गुलाम बनाया जा सकता है। पांचवा सवाल है कि परी क्या क्या काम कर सकती है, परियों के पास कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो परियों के पास बहुत सारी ताकतें और बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जैसा कि परियां इच्छाधारी होती हैं, परी किसी भी रंग रूप को, किसी भी शक्ल सूरत को अख्तियार कर सकती हैं, किसी भी रूप में अपने आप को ढाल सकती हैं। वो चाहे सांप बन जाएं, चाहे बिच्छू बन जाएं, चाहे वो खूबसूरत लड़की बन जाएं, चाहे बच्चा बन जाएं, चाहे खूबसूरत मर्द बन जाएं, वो कुछ भी बन सकती हैं क्योंकि वो इच्छाधारी होती हैं। और परियां जो हैं पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी को तय कर सकती हैं। परियां एक देश से दूसरे देश की खबरें आपको बहुत ही कम समय में पलक झपकते ही लाकर बता सकती हैं। परियां आपके दुश्मन को अपमानित कर सकती हैं, परियां आपके दुश्मन को जलील कर सकती हैं, परियां आपके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती हैं, परियां आपके लिए किसी का भी वशीकरण कर सकती हैं, परियां किसी के दिल में मोहब्बत को पैदा कर सकती हैं। परी आने वाली घटनाओं के बारे में बता सकती है, परी हर तरह के मर्ज का इलाज कर सकती है, परी हर तरह के मर्ज का इलाज बता सकती है, परी आने वाली घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दे सकती है, परी वो काम कर सकती है जो तमाम आदमी मिलकर ना कर पा रहे हों, परी वो चीज़ कर सकती है, परी बहुत ही जल्द आपको सही और गलत का मशवरा दे सकती है, परी आपको तमाम तरह की विद्याएं, तमाम तरह की भाषाएं सिखा सकती है। परियां जो हैं बहुत तरह के काम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि परियों को इल्म गैब नहीं है, नॉलेज ऑफ अनसीन परियों को नहीं है। ये बात हदीस कुरान से साबित है। अगर कोई परी जिन्नातों के इल्म गैब का इकरार करता है और ये अकीदा रखता है तो वो इस बात से तौबा करे, परियों को इल्म गैब नहीं होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर इनको इल्म गैब नहीं होता है तो ये छिपी हुई बातें कैसे बता देते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब देता चलूँ और इस बारे में थोड़ा रोशनी डालता चलूँ कि इनके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है। जो बात हमारे और आपके लिए छिपी हुई है, गैब है, नॉलेज ऑफ अनसीन है, वो इनके लिए नहीं है, क्योंकि एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ क्या है हम आप नहीं देख पा रहे हैं। हमें आपको देखने के लिए उठकर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। या कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी मैं इंडिया में हूँ तो अमेरिका में क्या हालत है, वहाँ पे COVID-19 का कितना कहर फैला हुआ है, ये हमारे लिए जो है ये नॉलेज ऑफ अनसीन है, छुपी हुई बात है, गैब है। लेकिन इनके पास स्पीड इतनी है कि ये तुरंत जाके पता कर सकते हैं कि वहाँ पे COVID-19 का कितना कहर है और क्या माहौल है और तुरंत वहाँ से आ सकती हैं। तो ये देख कर जानना हुआ, ना कि जो है यहाँ बैठे बैठे जानना हुआ। तो ये लोग देख के तब आपको जो है बता पाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि इनके पास ये ताकतें होती हैं, ये शक्तियाँ होती हैं और इनको इल्म गैब यानी नॉलेज ऑफ अनसीन नहीं होता है। अब जो है पांचवा सवाल है कि परियों की क्या खासियत है। परियों की खासियत ये है कि इनकी जो उम्रें हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं इंसानों की ज़िंदगी के मुकाबले में। इंसान की ज़िंदगी 50 साल, 100 साल, 150 साल बहुत ज़्यादा हुई तो 200 साल, लेकिन परियों की ज़िंदगी 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 साल, इनकी बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र होती है। और इनकी जो खासियत है वो ये है कि जिस तरह औरत में, इंसानी औरतों में ममता कूट कूट कर भरी होती है, उसी तरीके से इनका भी अखलाक और नेचर काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ही रेयर केसों में देखा जाता है कि किसी परी ने, किसी जिन औरत ने किसी को परेशान किया, बल्कि जो है ये परेशान नहीं करती हैं बल्कि मददगार होती हैं, मोहसिन होती हैं और इंसानियत की जो है मदद करती हैं। ये भी खासियत इनके अंदर पाई जाती है। और परी जो है एक बहुत ही खूबसूरत मखलूक है खुदा की। ये मखलूक बहुत ही खूबसूरत अल्लाह की मखलूक है। और परियों की खूबसूरती के बारे में जो माहिरीन हैं वो लिखते हैं कि इनका जो कद है वो बहुत अच्छा होता है, जो कि 8 फुट 10 फुट तक होता है। और इनकी जो सेहत होती है काफ़ी अच्छी होती है,
सुंदर सुडोल इनका शरीर होता है, रंग इनका गोरा होता है और इनकी बड़ी बड़ी झील सी आँखें होती हैं और ये बहुत ही लुभावनी और बहुत ही सुंदर हसीन होती हैं। खुदा की बहुत ही खूबसूरत मखलूक में से एक मखलूक है ये। तो ये कुछ परियों की खासियत है। अब सवाल आता है छठवां कि परी कहाँ रहती है, क्या खाती है और क्या करती है। तो परियों की जो रहने की जगह है वो पूरी दुनिया में जो मशहूर है और जिसको लोग बहुत जानते हैं कि परी की रहने की जगह है वो है कोहे काफ। कोहे काफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे परियाँ अक्सर ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं और कोहे काफ जो है बहुत ही हसीन नज़ारे वाला, बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक वादी है और वहाँ पे हरे भरे पहाड़, हरे भरे जंगल और झरियाँ, झील, नदियाँ, झरने पाए जाते हैं। वहाँ पे परियाँ अक्सर तादाद में रहती हैं, बहुत तादाद में रहती हैं। लेकिन परियों की जो रहने की जगह है वो और भी है, जैसे समंदर का किनारा है, नदी का किनारा है, खाली पड़ा बंद पड़ा मकान है, खाली पड़ा बंद पड़ा दुकान है, खंडर है और ये जो है हर उस पुराने पेड़ के नीचे, यानी ये पुराने पेड़ के नीचे जो बहुत घना है, पुराना है, उस पेड़ के नीचे बिल में पहाड़ पे भी जो है इनकी रहने की जगह है और ये परियां इन जगहों पर भी रहती हैं। अब बात आती है क्या खाती हैं, क्या करती हैं। तो खाने वाली बात जो है, इनकी जो पसंदीदा चीज़ है खाने की, जो फेवरेट इनका फूड है वो है हड्डी। बोन इनको बहुत पसंद है और हड्डी जो है इनकी मन, इनका मनपसंद आहार है, हड्डी ये जो है खाती हैं। और एक मनपसंद इनका आहार और भी है, खुशबू। खुशबू अगर इनको अच्छी खासी मिल जाती है तो इनकी ये गिज़ा हो जाती है और ये जो है मस्त हो जाती हैं, इनका पेट भर जाता है। तो ये कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं। बाकी ये मिठाई भी खाती हैं, जो इंसानी ज़िंदगी में गोश्त वगैरह होता है खाए जाते हैं वो भी ये खाती हैं। और ये जिस तरह से आप जानते हों या सुने हों कि ये इंसानी बाज़ार में भी आके ख़रीदारी करते हैं, कपड़ों की, मिठाई की, खाने की, हर लगभग हर चीज़ की ख़रीदारी ये करती हैं। तो ये चीज़ें हो गए इनके खाने की। और क्या करती हैं, तो इनकी भी एक दुनिया आबाद है, इनके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। इनकी आबादी जो है इंसानों से 9 गुना ज़्यादा है। इन अगर इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो इनके यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं और इनकी एक दुनिया आबाद है। फ़र्क इतना है कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास टीवी, कूलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन ये सब नहीं है। हाँ, इनके पास भी सवारियां होती हैं, इनके पास भी जो है ज़िंदगी गुजारने का हर वो सामान होता है। इनके यहाँ भी पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, हकीम, डॉक्टर, वैद्य सब होते हैं और इनके यहाँ भी जो है मौलाना वगैरह सब पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि इनमें जो तादाद है जिन्नातों में वो बुराई करने वाले ज़्यादा हैं, भलाई करने वाले कम हैं। परियों में जो है भलाई करने वाले ज़्यादा हैं या बुराई करने वाले बहुत कम हैं। तो ये जो है परियां इस तरह से जो है कुछ करती हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी जिनको गहन अध्ययन के बाद और काफ़ी रिसर्च के बाद आपकी खिदमत में मैंने पेश किया। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।